लोग देख सकते हो घर का कंडीशन कैसा। देखो आप लोग, थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ गया, देख सकते हो मेरा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हो आप, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे? तो मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस अभी देखो सुबह के टाइम है और अभी मैं आ गई हूँ छत पे रेडी वगैरह होकर थोड़ा रील शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा रील्स ख़त्म हो गया था। और अभी ना इतना तेज़ धूप हो गया है, देखो आप लोग देख सकते हो, अभी थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल गया है। एंड गाइस देखो यहाँ पे मेरा ट्राईपोर्ट भी आ गया है और मैं हूँ अभी छत पे। तो आप लोग का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं कमेंट करके बताना। तो गाइस मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, यानी अभी मेरा ब्लॉग ऐसे ही डिस्टर्ब चलेगा और साथ ही बाद ही मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आ पाएगा। तो गाइस आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना, और आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है तो आज का ब्लॉग देखना ना भूले आप लोग। एंड चलिए ब्लॉग पे बने रहो, अभी मैं चलती हूँ रील शूट करके जल्दी जल्दी से नीचे, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, अभी तक मैं नाश्ता नहीं की हूँ। देखो यार अभी इतना तेज़ धूप हो गया है, अभी रील शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गाइस अभी घर में वो काम चल ही रहा है, पेंट वगैरह और जो भी काम चल रहा था कि पीछे, तो वो सारा काम अभी चल रहा है। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे आप लोग बने रहो और अभी मैं ज़रा शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, इसी वजह से मैं नहीं बना पा रही ब्लॉग। सबसे बड़ा मेन झमेला है एडिट करना, इसी वजह से नहीं हो पाता, बहुत तेज़ धूप हो गया है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी सुबह नहाकर पूजा कर लूँगा, आप लोग देख सकते हो, और कमेंट में लिखना जय श्री राम और जय माता दी भी लिख देना। तो जल्दी जल्दी से मैं पूजा करके जल्दी से मैं चल गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैं एप्पल खा रही हूँ आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ घर वालों के लिए। और मुझे चाय बिल्कुल नहीं पीना है क्योंकि अजीब हो जाता है यार चाय पीने के बाद से। और यहाँ पर जल्दी से मैं खाना भी बना रही हूँ, देखो कांदा की सब्ज़ी तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बना दोगे ना डेली डेली तो डेली खाएगा लोग सबको। इधर बन रहा है सब्जी जो मूली पत्ता पालक आलू डालकर बनता है वो सब्जी, और इसमें अभी मसाला ऐड कर रही हूँ अपने डिश में, तो उबाल के बनाती हूँ, ऐसे सबको पसंद आता है मेरे घर में। और इधर अभी खाना ही बन रहा है, तब तक बाहर काम लग गया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बाथरूम वगैरह बनेगा इसी वजह से बाहर काम लगा हुआ है, गड्ढा खुदाई हो रहा है यहाँ पर। और ये जो सामने वाला आम का पेड़ दिख रहा है ना वो हट जाएगा अभी थोड़ी देर में, और पता नहीं ये बाहर का कल वगैरह रहेगी नहीं, मैं भी बता नहीं सकती, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये पेड़ हट गया ना यार, बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मेरी दादी ने लगाया था ये पेड़। और देखो यहाँ पे गड्ढा भी इतना गहरा हो गया आप लोग देख सकते हैं, मैं छत पे दिखा रही हूँ तो अंदर तक नहीं दिखेगा, बट नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी उसमें दिखेगा। और अभी इधर आप लोग देख सकते हो बाहर काम भी लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद लगा ही मकई का दौड़ी हो रहा है क्योंकि एक एक छुराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, किसके पास टाइम है कि छुरा गया तो जल्दी झटपट हो जाता है। और इधर काम फिनिश होगा तब तक इधर खाना भी रेडी हो गया, छोला और गर्मा गर्म रोटी, दोपहर के समय का खाना आप लोग देख सकते हो। तब तक अभी मैं खाना ही खा रही थी तब तक मेरा पार्सल आ गया, तो मैं भटकती हूँ चल रही पार्सल रिसीव करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्सल रिसीव करने में। और मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ पार्सल रिसीव करते हुए, एंड ऑफर चल रहा है ना तो मैं सोची क्यों ना कुछ शॉपिंग किया जाए, तो मैंने शॉपिंग की है, बहुत सारा शॉपिंग की हूँ बट अभी शेयर नहीं की हूँ मैं। अभी घर का हालत देखो आप लोग का अजीब हुआ है, और देखो आप लोग जल्दी से मैं पार्सल रिसीव करके तब चलती हूँ, तो अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी मैं भटकती हूँ चल रही हूँ अंदर, और इधर से ही अपना नज़ारा देखती हूँ। इधर का व्यू देखो आप लोग काफ़ी रोचक है, कैसा व्यू है आप लोग बताना है। इधर टाइल्स वगैरह लग रहा है घर के पीछे भी, उधर काम लग रहा है। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो शाम के 4:30 हो रहे हैं, और अभी देखो बारिश जैसा मौसम हुआ है, पता नहीं आप लोगों की तरफ कैसा मौसम हुआ है कमेंट करके बताना आप लोग। और देखो आज तो कैसा वेदर हुआ है देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल भयानक हुआ है ना, लग रहा है कितना तेज़ बारिश होगा देखो। और यहाँ पर मैं कपड़ा धोकर डाली थी सूखने के लिए, तो आई हूँ छत पर ले जाने के लिए कपड़ा। यार चारों तरफ घर में अभी काम लगा हुआ है, देखो मक्का का कि जो लेना होता है वो है, और इधर जो बाथरूम का काम लगा था वो वर्कर है सब। एंड गाइस
अगर बारिश आ जाएगी ना तो बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है और इधर घर के पीछे की तरफ भी काम चल रहा है ना, मैं बताई थी आप लोग से। चलो मैं दिखा देती हूँ, देखना आप लोग, वहाँ पे कल वाला चल रहा है, देखो। तो कैसे आप लोगों ने तो देखा है कि चारों तरफ सामान अजीब सा हुआ है, मतलब घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और टंकी में भी पानी, लाइट ना रहा पूरा कट कट रही है। तो वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ब्लॉग आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड देखो आप लोग, थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ गया, देख सकते हो। तो मैं ब्लॉग ऐसे ही आएगा यार, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पाएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ कंटिन्यू ब्लॉग लाने का, बट घर में चारों तरफ काम चल रहा है तो वर्कर रहते हैं लोग, तो अच्छा नहीं लगता मुझे ब्लॉग वगैरह शूट करना, मतलब कहीं से सीन ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा घर में काम चल रहा है अभी, इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही। एंड अभी ब्लॉग को करती हूँ इतना ही, तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।